बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे शहर सियालकोट के बहादुर बेटों बेटियों माओ बहनों, देखो मैं आपके हक पर डाका डालने ख्वाजा आसफ को नहीं दूंगी। मैं आज ख्वाजा आसफ के बारे में स्टे हो चुका है, उसके आर्डर जारी नहीं होंगे, ये जंग जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। मैं अपने शहर सियालकोट के बहादुर बेटों भाइयों बहनों के लिए ये पूरी जंग लड़ूंगी और हर हद तक जाऊंगी। ख्वाजा आसफ जो तुम ठप्पे लगा रहे थे अंदर, मैं हर पुलिस स्टेशन पर गई हूँ, तमाम सबूत मेरे पास है, तमाम पुलिस आपके साथ थी। मैं आरओ के दफ्तर गई, आरओ के दफ्तर के सामने 25 पुलिस के लोग थे, उन्होंने धक्के दिए, मुझे अंदर जाने ना दिया, मेरे बाजू को चोट लगी हुई है। और दूसरे लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि हम डाका डालने नहीं देंगे, मगर पुलिस ने लाठी चार्ज करके हमें निकाल दिया गया। सोच लो, हक और सच की जीत होगी और उस कुरान मजीद पर होगी, जिस कुरान मजीद का सहारा लेकर कल्ली माँ घर घर गली गली गई और हजारों लाखों उमर डार मेरे साथ थे, लाखों उस्मान डार मेरे साथ थे। मेरी बेटियों भाइयों ने, मेरा माओ बहनों ने बड़ा साथ दिया। मेरा इस मीडिया चैनल के थ्रू पैगाम है कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ और माँ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। माँ दरवाजे पुत्रा तियाली बंद नहीं करती, वो हमेशा खोल दिए, माँ हमेशा खोल दिए। इंशाल्लाह ताला मैं डाका डालने नहीं दांगी, मुझे अपने कुरान मजीद पे भरोसा है और अपने खुदा पर भरोसा है। मैंने उस पर फैसले छोड़े हैं जिसका सहारा लेकर मैं निकली थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी एक माँ जानते हुए, उसकी अजीम अस्की तो जानते हुए, जो जुल्म मेरे साथ हुए और जो मेरी जीत है उसे शिकस्त में नहीं बदलेंगे। मेरा पैगाम है आप कि मेरे कुरान और माँ के रिश्ते को समझते हुए जो मेरी लीड है, मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ और शहर सियालकोट ख्वाजा आसफ को नहीं मान रहा, ना मानता है। कहते हैं माँ आप हैं एम एन, आप जीत चुकी हैं। मेरा पैगाम है कि शिकस्त को मान लो। अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।